से राधा राम सोजा को राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे ओ राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे बोलो राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे। आज के पावन बेला में प्रवेश करें। कल हम सभी भगवत प्रेमी श्रवण कर रहे थे। भगवान ने गिरिराज महाराज का पूजन करवाया इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए। आवाज बढ़ाओ तुम। और सभी ब्रजवासियों ने बड़े ही धूमधाम से गिरिराज का पूजन किया, आनंदित होकर के परिक्रमा लगा करके जब सभी अपने अपने घर पधारे। और इंद्र को जब पता चला कि मेरा पूजन छोड़कर के ब्रजवासियों ने एक पहाड़ का पूजन किया, भयंकर क्रोध आया। और क्रोध में आकर के सांबर्तक नाम के मेघों को बुला करके आज्ञा दी, जाओ इतनी जल वृष्टि करो सारा ब्रज बह जाए। गणम सांबर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे सुमान्युता। सांबर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया, आकाश में बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और भयंकर भयंकर जलावृष्टि शुभारंभ हुई। सभी ब्रजवासी ग्वालवाल कन्हैया के पास आए, प्रार्थना की, लाला तेरे कहने से हमने गिरिराज का पूजन किया, इंद्र नाराज है गयो, अब आके कोप सो रक्षा तू ही कर सके। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, आप ही रक्षा करो। भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज की तलेटी में आए और गिरिराज को भगवान ने 7 कोस लंबा चौड़ा गिरिराज पर्वत उखाड़ करके अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया और नाम प्रभु का पड़ा गिरिधारी। बोली गिरिधारी भगवान की
जय हो। भगवान ने गिरिराज को धारण किया, सब ब्रजवासी उसी पहाड़ के नीचे भगवान ने बुला लिए। आप लोगों ने भगवान के गिरिराज पर्वत को धारण किए हुए छवि के दर्शन किए होंगे, आपने किए, भगवान ने गिरिराज उठा रखा है, देखे होंगे आपने, दर्शन किए होंगे, ध्यान से देखें कि वैसे ही देखें, ध्यान से देखें तो आपको ये भी पता होगा भगवान ने गिरिराज कौन से हाथ की उंगली पर उठा रखे हैं, बताओ, लेफ्ट या राइट, बताओ जल्दी, लेफ्ट, पक्की बात है ना। भगवान ने गिरिराज पर्वत को लेफ्ट हैंड की उंगली पर उठा रखा है, गिरिराज जी को, सही बात है। अच्छा, लेफ्ट हैंड पर क्यों उठाए, राइट से भी उठा सकते थे, बाएं हाथ पर, बाएं हाथ की उंगली पर भगवान ने क्यों उठाया गिरिराज, इसके दो कारण हैं। बाएं हाथ की उंगली पर भगवान ने गिरिराज को इसलिए उठाया कि वाम अंग है किशोरी जी का, श्री राधा रानी का वाम अंग है, किशोरी जी वाम अंग खड़े होते ना, इसका मतलब यह है गिरिराज कन्हैया ने नहीं, राधा रानी ने उठाया, प्यार से बोलो राधे राधे, किशोरी जी ने उठाया। दूसरा कारण यह है, भगवान ने गिरिराज को बाएं हाथ में उठा लिया, इसका मतलब यही है कि इतना बड़ा गिरिराज पर्वत, भारी, सात को उसका लंबा चौड़ा, गिरिराज भगवान ने बाएं हाथ पर इसलिए उठाया क्योंकि भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई काम, बड़ा व्यक्ति कोई छोटा मोटा काम जैसे बाएं हाथ से कर देता है ना, अरे बोले ये तो बाएं हाथ का काम है, होता है कि नहीं, शक्ति वाला काम दाएं हाथ से किया जाता है और साधारण काम बाएं हाथ से कर दिया जाता है, कोई वस्तु उठानी है तो उठा ली, बेटेड है तो उसको दाएं हाथ लगाना पड़ेगा। माने भगवान ने गिरिराज को दाएं हाथ से, बाएं हाथ से उठाया क्योंकि भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है इतना बड़ा लंबा चौड़ा गिरिराज पर्वत उठाना। अच्छा, भगवान तो ऐसे भी उठा सकते थे, उठा सकते थे कि नहीं, ऐसे क्यों नहीं उठाया, बोले इसलिए नहीं उठाया कि ऐसे तो उठा करके हनुमान जी भी लाए थे, पहाड़ लाए थे कि नहीं लाए थे, हनुमान जी लाए थे, हनुमान जी लाए थे ऐसे उठा करके पहाड़, तो बोले हनुमान जी ने उठा लिया था पहाड़ तो भगवान ने उठा ली तो कौन सी बड़ी बात है, फिर अंतर क्या रहा, तो बोले भगवान हनुमान जी तो पूरी हथेली पर पहाड़ रख करके लाए, लेकिन भगवान को हथेली की भी जरूरत नहीं, उन्होंने तो कनिष्ठिका सबसे छोटी उंगली पर भगवान ने गिरिराज को उठाया, ये भगवान की विशेष। सब ब्रजवासियों की गिरिराज के नीचे भगवान ने रक्षा की। गिरिराज कितने दिन तक उठाया भगवान ने, बोलो, सात दिन, सात दिन ही बारिश हुई, सात दिन ही गिरिराज उठाया, सात दिन और सात ही वर्ष के हैं भगवान, सात ही वर्ष के कन्हैया, सात ही कोस का लंबा चौड़ा गिरिराज, सात ही दिन रात भगवान ने उठाया। और मैया यशोदा लाला कन्हैया को हर रोज एक दिन में कन्हैया के आठ बार भोग लगाती, कन्हैया को कभी कुछ बना के खिलाती है, कभी कुछ बना के खिलाती है, कभी कुछ बना के खिलाती है, कभी छोटा है, एक दिन में आठ बार।
इसलिए अष्टयाम का भी विधान बताया, अष्टयाम भोग भगवान को भोग अंगराग भोग आरती होती है, अष्टयाम आठ अष्ट प्रहर, आठ बार भगवान भोग लगा रहे हैं और आठ बार भगवान को भोग लगाती है मैया यशोदा। सात दिन तक गिरिराज उठाया, कितने बार भोग लगाया मैया ने सात बार सात दिन में? 56 बार। इसीलिए कन्हैया को 56 भोग निवेदित किए जाते हैं। प्यार से बोलो, इसलिए भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। क्यों? मैया यशोदा ने सात दिन में 56 बार कन्हैया को कभी मक्खन मिश्री, कभी मक्खन रोटी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ मैया खिलाती थी। और भगवान 56 भोग जब भगवान को अर्पण किए जाते हैं तो भगवान बड़े ही प्रेम से उन 56 भोगों को स्वीकार करते हैं। मैया यशोदा की याद करके होता है ना, कोई वस्तु खिलाए, कोई अच्छी वस्तु और फिर वही खाई हो, उसके बाद कोई और खिलाए तो याद आ जाती है, देखो ये हमने वहां खाई थी, ये उसने खिलाई थी। कहने का तात्पर्य, भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण करके और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। सात दिन पर्यंत तक बारिश हुई, इंद्र को जब पता चला कि वहां तो धूल उड़ रही है, तब इंद्र को लगा कि मुझसे तो अपराध हो गया प्रभु का, तो सुर भी गाए और ऐरावत पर बैठ करके इंद्र आए। गोवर्धने धृते शैल आसारा दीक्षिते व्रजे गोलोको दाव्रजत कृष्णम सुरभि सक्रैव च। भगवान के चरणों में आकर के इंद्र ने स्तुति की, प्रार्थना की, वंदना की, प्रणाम किया। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्तकम मायामयोयम गुण प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। विशुद्ध सत्व स्वरूप परमात्मा की स्तुति इंद्र ने बड़े भाव से की। तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्तकम, हे शांत स्वरूप प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मैंने अज्ञान में आपका अपराध किया, कष्ट दिया, ब्रज के ऊपर वर्षा की, ब्रजवासियों को दुख दिया, आप मुझे क्षमा कर दें। भगवान इंद्र की स्तुति से प्रसन्न हुए, मुस्कराए। भगवान ने कहा इंद्र कोई बात नहीं, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, बोलो मांग लो क्या चाहिए तुम्हें। तो इंद्र ने भगवान से मांगा, अगर आप प्रभु मुझे देना चाहते हैं तो मुझे इस ब्रज में वास दे दो, ब्रज में रहना दे दो, रहना चाहता हूं। भगवान ने कहा इंद्र ब्रज में क्यों रहना चाहते हो, आप तो स्वर्ग के राजा हो और स्वर्ग दिव्य है, दिव्य लोक है, सारी सुख सुविधाएं हैं, यश वैभव साहब है, इस ब्रज में क्या है जो स्वर्ग में नहीं है? पता है इंद्र ने क्या कहा? महाराज इस ब्रज में वो है जो सच में स्वर्ग में नहीं है। क्या? स्वर्ग में कहां मधुर धुन राधे की, और स्वर्ग में कहां कलित कुंज अभिराम है, स्वर्ग में कहां
ये पावन ब्रज रज और स्वर्ग में कहां पुलिन यमुना ललाम है। स्वर्ग में कहां वीर गोपी और ग्वालन की, स्वर्ग में कहां ये माखन चोर घन श्याम है। स्वर्ग में अमित सुख इतना अपार कहां, स्वर्ग से तो श्रेष्ठ श्री गोवर्धन धाम है। स्वर्ग से तो श्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम है। न तो स्वर्ग में यमुना जी है, न पावन ब्रजरज है, न गोपी है, न ग्वाल है, न राधा नाम का कीर्तन कोई करने वाला है, न गोपी है, न ग्वाल है, न प्रभु आप हैं, इसलिए स्वर्ग से भी कहीं अधिक महिमा ब्रज की है। प्यार से बोलो राधे राधे। ऐसी महिमा है ब्रज के, बड़े बड़े देवता भी जिस ब्रज में रहने के लिए लालायित रहते, आकांक्षा करते हैं प्रभु से। गिरि गोवर्धन नाथ की तलहटी में निवास पाने के लिए लालायित रहते हैं। गिरिराज की तलहटी में मृत 84 कोस में कोई भी पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष आदि जो भी हैं कोई साधारण नहीं है, बड़े बड़े देवता बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, ध्यान रखे। इसलिए ब्रज की बड़ी महिमा है। गिरिराज आज साक्षात प्रभु गिरिराज के रूप में विराजमान है भूतल पर ब्रज में साक्षात। इंद्र आकांक्षा करते हैं भगवान से, मुझे ब्रज में वास दे दो। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। गिरिराज की तलहटी में वास मुझे मिले, तो भगवान से मांगा और भगवान ने इंद्र को दिया। दंडोती परिक्रमा लगाई गिरिराज की इंद्र ने, इसलिए इस कलिकाल में गिरिराज की बहुत महिमा है। जो गिरिराज का दर्शन करता है, पूजन करता है, परिक्रमा करता है, उसके सभी पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं और भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है। तो ऐसी महिमा गिरिराज की। गंधमादन यात्रायाम तत्फलम लभते नरः, तस्मात कोटि गुणम पुण्यम गिरिराजस्य दर्शनम। गंधमादन पर्वत की यात्रा कर ले कोई, और यात्रा करने का जो फल प्राप्त होता है उससे भी तस्मात कोटि गुणम पुण्यम, उससे भी करोड़ों गुणा पुण्य केवल गिरिराज महाराज का, गिरिराज भगवान का दर्शन करने मात्र से पुण्य मिल जाता है। यह है महिमा गिरिराज की। तो गिरिराज महाराज साक्षात भगवान ही के रूप में गिरिराज विराजमान है ब्रज में। कितने ऐसे संत हैं जो गिरिराज जी की प्रतिदिन परिक्रमा लगाते हैं। गिरिराज जी में ऐसे हैं, ऐसे संत पड़े हैं दो जो दोनों समय परिक्रमा लगाते हैं, रोज दो, बोलो दोनों टाइम दिन में दो दो तीन तीन परिक्रमा लगाते हैं गिरिराज जी की। कमाल बड़ी महिमा है। कुछ प्रतिदिन लगाते हैं, रोज एक परिक्रमा लगाते हैं। जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाता है हर पूर्णिमा को, किसी के जीवन में किसी प्रकार का कोई भी संकट हो, हर पूर्णिमा को एक वर्ष परिक्रमा लगा के देख लेना, चमत्कार पक्का। जो मन कामना
सब पूर्ण होती है। ऐसी महिमा है, हजारों लोग इस बात का अनुभव कर चुके हैं गिरिराज की महिमा का। वृंदावन के सनातन गोस्वामी प्रतिदिन रोज जाते थे दर्शन करने और परिक्रमा लगाने। तुलसी का गमला सिर पर रख करके और पैदल जाते, परिक्रमा लगाते गिरिराज जी की और पैदल आते वृंदावन। सोचो एक दिन प्रभु प्रकट हो गए, बोले बाबा आपका शरीर वृद्ध है, अब तुम परिक्रमा लगाने गिरिराज जी की मत आया करो। बाबा बोले ठीक है, लेकिन किसी किसी को आदत पड़ जाती है, चैन नहीं पड़ता उसको। प्रातःकाल हुआ फिर चल दिए, पहुंच के गिरिराज जी परिक्रमा लगाई। भगवान ने कहा बाबा फिर तुम आ गए, मैंने मना किया था ना आप मत आओ, अब आपका शरीर साथ नहीं देता, अस्वस्थ भी है, मुई से प्रणाम कर लिया करो। ठीक है अब नहीं आए। शरीर अस्वस्थ होने के बाद में भी तीसरे दिन फिर पहुंच गए, पैदल गिरिराज जी के तलहटी में पहुंचे, प्रणाम किया, परिक्रमा शुरू कर दी। कन्हैयालाल फिर आ गए, बाबा तुम नहीं मानोगे, क्या करूं प्रभु मुझे चैन नहीं पड़ता। अच्छा तो भगवान ने एक गिरिराज जी की शिला दी, उसमें अपना चरण, अपनी लकुट, गऊ का खुर उसमें और बांसुरी, ये चार चिन्ह चिन्हित करके, ये चारों चिन्ह ही गिरिराज जी में विराजमान है आज भी। भगवान का चरण, भगवान की बांसुरी, गाय का खुर, लकुट आदि। भगवान ने एक शिला में ये चारों चिन्ह चिन्हित करके, अंकित करके और सनातन गोस्वामी जी को दिए, आप ये ले जाओ, इसी शिला की आप रोज चार परिक्रमा लगा लिया करना, पूरे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का फल आपको वहीं मिल जाया करेगा। बोले गिरिराज भगवान की जय हो। बाबा प्रसन्न हो गए, लेकर के आए और वृंदावन में आज भी वही शिला विराजमान है, दामोदर मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर, राधा दामोदर मंदिर में आज भी वही शिला विराजमान है, जिसका अभिषेक होता है, पूजन होता है, श्रृंगार होता है और लोग उसके परिक्रमा मंदिर के लगाते हैं, चार परिक्रमा लगाते हैं। चार परिक्रमा लगाने में गिरिराज जी के की परिक्रमा लगाने का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अगर आप लोग वृंदावन जाओ तो गिरिराज जी की पूरे सात कोश की परिक्रमा न लगा पाओ तो कम से कम राधा दामोदर मंदिर में जा करके उसकी परिक्रमा लगा करके उसका फल प्राप्त करना, दर्शन करना, ऐसी महिमा। तो कहने का तात्पर्य हो, ब्रज की, वृंदावन की, गिरिराज की बड़ी महिमा है, जहाँ साक्षात भगवान विराजमान है, भगवान की दिव्य लीलाएं हुई, भगवान जहाँ पर खेले हैं, अनेक लीलाएं भगवान ने ब्रज में की हैं, ऐसा वो पावन ब्रज वंदनीय है। वृंदावन आप लोग जाते हो, ब्रज जाते हो तो वहां से क्या लेके आते हो, कुछ लाते हो? हाँ महाराज लाते, क्या ब्रजवासी के पेड़े लाते ब्रजवासी के पेड़े लाते हैं और बोले खाते हो? हाँ क्या? बोले बांके बिहारी जी के पास लस्सी पीते हैं और भल्ला खा करके चले आते हैं। पंजाबी लोग तो खाने पीने के ज्यादा वो होते हैं ना। हाँ महाराज सब काम छोड़ जाए, खाने को पहले चाहिए।
प्यार से बोलो राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत प्रेमी होते हैं पंजाबी लोग। हाँ, अगर बाकी बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे और कहीं मनपसंद चीज दी गई और पहले लस्सी पी लो उसके बाद फिर दर्शन वर्शन कर लेंगे। भगवान तो युते ही हैं, कौन से पगे जा रहे। तो कहने का तात्पर्य, ब्रज में जाने के बाद हमें अपने साथ क्या लेकर के आना है ये भी ध्यान रखिए। ब्रज कभी भी जाओ तो कुछ लेकर के आ पाओ ना आ पाओ, दो तीन चीज वहां से जरूर लेकर के आना। एक तो वहां की ब्रज की रज लेकर के आना, वृंदावन परिक्रमा के, गिरिराज परिक्रमा के, ब्रज की कहीं से भी रज आप अपने साथ लेकर के आना। और जिस मंदिर में जाओ उनका चरणामृत साथ में लेकर के आना। यमुना जी का जल, चरणामृत, ये जरूर अपने साथ लेकर के आना, अपने घर में रखना। गंगा जल या यमुना जल मिला करके उसमें रखना, रोज दो चार बूंद अपनी जिह्वा पर रखना, कुछ कण द्रज के जिह्वा पर रखना, अपने शरीर में लगाना। अरे कन्हैया का प्रेम बहुत शीघ्रता से प्राप्त होगा, निश्चित बात समझना। किसी की मृत्यु नजदीक हो, हमारे घर में अगर ब्रज की रज रखी हुई है तो उस रज को उसके मुख में जरूर डालना, उसको नित्य निकुंज की प्राप्ति, वृंदावन की प्राप्ति उसकी होगी, उसको होगी। ये महिमा है। क्यों? अरे जहां साक्षात भगवान बिना चरण पादुकाओं के नंगे पैर 11 वर्ष तक जिस भूमि में भ्रमण किया, खेले भगवान, आज भी उस रज की ऐसी महिमा है। कितने भक्त तो वृंदावन में जाने के बाद चरण पादुका नहीं पहनते। क्यों? प्रभु के चरण से स्पर्श किया हुआ कोई भी कण अगर हमारे शरीर से स्पर्श हो गया तो आनंद हो जाएगा, बड़ी महिमा है। और मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। कौन कौन जाना चाहता है वृंदावन, जरा हाथ उठा के बताएं। सभी चलना चाहते हैं तो मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए। अभी नहीं, भंडारा खा के तो जाएंगे। अच्छा, हे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। 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 पूरण हो सब काम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। और जो खड़े होके नाचते झूमते चलना चाहते हैं वृंदावन मस्ती में झूमते हुए, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। ओढ़ लगी है कमरिया कारी, ओढ़ लगी है कमरिया कारी, ओढ़ लगी है कमरिया कारी, ओढ़ लगी है कमरिया कारी। तो है वही पे वही पे, तो ही वही पे मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे।
बोल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा 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 गाएंगे एक भट के खामा खाम राधे राधे गाएंगे जो भट के खामा खाम राधे राधे गाएंगे वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा निर्मल शीतल बहती है धारा 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 तेरे बन जाए तेरे बन जाए तेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे बन जल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे क्या राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे तेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे तेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे नदवन जी की शोभा है न्यारी नीलेवर जी में शोभा है न्यारी ओ नदवन जी की शोभा है न्यारी नदवन जी की शोभा है न्यारी ओ श्री हरदास के बांके बिहारी 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 यो भटके देखियो भटके देखियो भटके खामा खाम राधे राधे गाएंगे भटके खामा खाम राधे राधे गाएंगे अब एक मिनट के लिए हम कहेंगे राधे राधे आपको बोलना है शाम मिला दे क्या बोलना है चाय पिला दे शाम मिला दे क्या बोलना है बोलेंगे दोनों हाथ उठा करके अरे राधे राधे श्याम मिला दे राधे 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 राम 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 राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो वृंदावन की गिरिराज की ब्रज की ऐसी महिमा है जहां पर साक्षात प्रभु आज भी विराजमान है कितने संतों को भक्तों को अनुभव होता है इस बात का भगवान ने इंद्र के अभिमान को दूर किया गिरिराज का पूजन करवा करके उसके बाद भगवान ने
गोपियों के साथ महाराज किया। भगवान के महाराज की जो ये दिव्य कथा है भागवत में बड़ी वंदनीय है, बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित ये भागवत का दिव्य प्रसंग आप सावधान होकर के सुनिए। भगवान एक दिन विराजमान यमुना के किनारे, यमुना प्रवाहित हो रही है, संध्या का समय है और शरद पूर्णिमा की रात्रि का शुभारंभ हो रहा है। भगवान ने आज अमृत वर्षणी मुरली को अपना पीतांबर बिछा करके उस पर विराजमान किया और भगवान ने विशेष रात्रि का आवाहन भगवान ने यहां पर किया यमुना के किनारे वंशीवट पर। भगवान पिता रात्रि सरदूत फुल्ल मल्लिका भीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। योग माया को भगवान ने आवाहन किया, योग माया प्रकट हो गई। भगवान से आज्ञा मांगी, क्या आज्ञा है मेरे लिए प्रभु आप बताएं। भगवान ने कहा, योग माए मैं गोपियों के साथ महाराज करना चाहता हूं, इसलिए एक दिव्य राश मंडल का निर्माण करो वृंदावन में। जिन गोपियों को मैं अपने महाराज में बुलाऊं उन गोपियों का रूप धारण करके उनके घर का कार्य संभालना। ब्रज से जितने भी वंशीवट को आने वाले मार्ग हैं कंटक रहित कर दो, स्वच्छ कर दो। योग माया ने प्रणाम कर स्वीकार किया और योग माया ने सारी व्यवस्था वैसी ही कर दी। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका भीक्षरन्तुं मनश्चक्री योग माया मुपाश्रितः। योग माया के द्वारा सारी व्यवस्था सुंदर बना दी गई और भगवान ने विशेष रात्रि का आवाहन किया। उसके बाद भगवान ने अपनी अमृत वर्षणी मुरली का निनाद किया, बंशी बजाई। क्लीम शब्द का आज उच्चारण अपनी मुरली में भगवान ने प्रेम से किया। आकाश में पूर्ण सोलह कलाओं से चंद्रमा प्रकाशित हो रहे हैं और मुरली की आवाज पूरे ब्रज में गूंजी। जिस गोपी के कान में भगवान की मुरली की आवाज सुनाई दी, हर गोपी को ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर मुझे मेरा नाम लेकर के मुरली में मुकु बुला रहे हैं, मुकु पुकार रहे हैं। गोपी जहां थी, जिस कार्य में थी, जो कर रही थी, छोड़ करके दौड़ पड़ी। गोपी भगवान की मुरली को सुनकर के दौड़ पड़ी घर के कार्य को छोड़कर। बंशीवट की तरफ दौड़ी जा रही है गोपी। कोई गोपी जल भरने जा रही थी, गागर हाथ में लगी, यमुना पर जल भरने जा रही, भूल गई जल भरना, गागर लेके दौड़ पड़ी। कोई गोपी श्रृंगार करने बैठी, एक आंख में काजल लगा पाई, दूसरी में लगाना चाहती है, तब तक मुरली सुनाई दी, भूल गई, दौड़ पड़ी। वस्त्र उल्टे सीधे धारण कर लिए, आभूषण उल्टे सीधे धारण कर लिए, श्रृंगार उल्टा सीधा हो गया,
ये गोपियों की स्थिति भगवान की मुरली सुनकर के हो गई। बाजी कहे कहाँ बाजी, भाजी भाजी फिरे बाजी, लगे मुरली की बाजी उठदाई है। बाजी जलभरण चली लेकर संग में अली, बाजी हाथ गागर बाजी भूल कर आई है। बाजी हाथ गागर बाजी भूल घर आई है। ऐसी स्थिति गोपियों की हो गई और सब गोपियां बंसीवट पर पहुंच गई। और भगवान ने जब गोपियों को देखा तो भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि मृजस्यानामयम कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम् गमन कारणम। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम्बो महाभाग, हे महाभागशालिनी गोपियों तुम्हारा स्वागत है। स्वागत, भगवान गोपियों का स्वागत क्यों कर रहे हैं? आप लोग कथा सुन रहे हैं? सुने कथा? भगवान ने गोपियों का स्वागत क्यों किया पता है? आपका कभी स्वागत किया भगवान ने? महाराज, महाराज तो कभी नहीं किया। साडा तो स्वागत कभी कौन नहीं किया महाराज? भगवान स्वागत भी उसी का करते हैं जो प्रभु के लिए संसार को छोड़कर के दौड़ता है। हम लोग संसार को छोड़ नहीं पाते। सोचो, संसार को त्यागता है जो प्रभु के लिए, भगवान उसका वेलकम करते हैं, भगवान उसको अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं। ऐसी भगवान की महिमा। गोपियां घर परिवार व्यवहार कारोबार सब छोड़ करके जगत की परवाह न करके दौड़ पड़ी। गोपियां पति रोकते गए, रोकते रह गए, सास ससुर पूछते रह गए, चिल्लाते रह गए, गोपियां दौड़ पड़े। घर को छोड़ करके भगवान की तरफ दौड़ना, भगवान के लिए परिवार का, घर का, प्रतिष्ठा का, मान का, सम्मान का, सुविधा का, सब का त्याग कर देना बहुत बड़ी बात है। नहीं होता त्याग, नहीं हो सकता। थोड़ी सी सुविधा होने के कारण पर हम भगवान को साइड में कर देते हैं। श्री हरिवंश महाप्रभु जी कहते हैं, दूरा दपास्य सुजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, सब साधन छोड़ दिए जाएं, सब सुख पानी की आकांक्षा नष्ट कर दी जाए। दूरा दपास्य सुजनान सुखमर्थ कोटिम, सब संबंध एक साइड कर दिए जाएं, किसी प्रकार की कोई भी मोह ममता न रहने पाए, सब को छोड़ करके पीछे और भगवान की तरफ जो बढ़ता है उसको क्या मिलता है? बोले तब वो प्रभु की कृपा उसके ऊपर बरसती है। वरसंतमेव सहजात बुत सौख्य धाराम ताम राधिकाम परिचरामिक दारशेना, उसको प्राप्त होती है भगवान की
वह दिव्य माधुरी मूरत की झलक, उसको सुख, उसको आनंद प्राप्त होता है। हम लोग छोटे छोटे आनंद, छोटे छोटे सुख को पाने के लिए असली आनंद को त्याग देते हैं। इसलिए वो असली आनंद का जो सिंधु है वो हमको नहीं मिल पाता, वो नहीं मिल पाता। जिस दिन भगवान हमको अच्छे लगने लग जाएं, भगवान प्रिय लगने लग जाएं, भगवान का नाम, भगवान की लीला, उनके बिना जिया न जाए, उनके बिना रहा न जाए, उनके बिना चैन ना पड़े, बस पक्की बात समझना कि भगवान जरूर हमको अपनाएंगे और कभी न कभी स्वागत करते प्रभु जरूर मिलेंगे। दोनों भुजा फैला करके आलिंगन करने के लिए भगवान तैयार मिलेंगे। असी मंगदे हां तेरा दीदार सावरे, असी मंगदे हां तेरा दीदार सावरे, असी मंगदे हां तेरा दीदार सावरे, तेरा दीदार सावरे, असी मंगदे दीदार तेरा सावरे, असी मंगदे हां तेरा दीदार सावरे, असी मंगदे हां तेरा दीदार। मिल जावे सानू तेरा प्यार सावरे, असी मंगदे आ तेरा दीदार सावरे, तेरा दीदार सावरे। तेरा दीदार सावरे, अशी मंगदे
का दीदार सांवरे रे असि मंगते आ तेरा दीदार सांवरे असि मंगते आ तेरा दीदार सांवरे असि मंगते आ तेरा दीदार सांवरे असि मंगते आ तेरा दीदार तेरा दीदार और क्या चाहिए प्रभु, आपका दीदार हो जाए, आपके रूप माधुरी का दर्शन प्राप्त हो जाए, भगवान की रूप माधुरी, भगवान का दिव्य सौंदर्य, भगवान का प्रेम गोपियों को खींच करके ले आया। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया, इसलिए कहा स्वागतम्बु महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। वेलकम, स्वागत है गोपियों, आपका स्वागत। गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अच्छी बात है, भगवान बड़ी लीला बिहारी है, भगवान के भगवान स्वागत करते हुए दिखाई दे तो बहकावे में मत आ जाना। भगवान ने गोपियों का स्वागत करके दिखाया कि जो मेरे लिए घर परिवार व्यवहार छोड़ करके आता है, मैं उसके लिए खड़े होकर के उसका स्वागत करता। लेकिन महाराज में गोपियों को प्रवेश करने का अधिकार अभी है या नहीं, भगवान ने ये बाद में परीक्षा ली। भगवान के महाराज की कथा कोई साधारण नहीं है। भगवान ने कहा स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणि वा, हे महाभागाओ, हे महाभागशालिनी गोपियो, आपका स्वागत है। अरे महाभागशाली भाग्यवान, महाभाग तो वही है जो संसार को छोड़ करके भगवान के लिए दौड़ता है, वही महाभाग है। और जो भगवान को छोड़ करके संसार को दौड़ता है वो तो अभाग है, अभाग उसके जीवन का तो अभाग है। वो भाग्यशाली वही है जो गोविंद के लिए दौड़ता है, गोविंद के लिए बढ़ता है, गोविंद को पाने की आकांक्षा रखता है। गोपियों से भगवान ने पूछा, गोपियों ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम, आप घर परिवार पति पुत्र सास ससुर संबंधियों को छोड़कर के इस रात्रि के समय एकांत वन में, निर्जन वन में, यहाँ यमुना पुलिन पर तुम्हारे आने का कारण क्या है? ब्रूतागमन कारणम, आगमन कारणम, कारण बताओ, तुम्हारे आने का कारण क्या है, क्यों आई हो? मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पतयश्च वा, साप को छोड़ आए, ऐसा क्या कार्य आ गया इमरजेंसी? देखो बड़े लीला बिहारी हैं, अभी तो स्वागत कर रहे थे, कह रहे क्यों आई हो, पहले मुरली बजा करके नाम ले लेकर के पुकार लिया, जल्दी आ जाओ, और जब सांप छोड़ करके आ गई गोपियां तो भगवान कहते हैं ब्रूतागमन कारणम। गोपियों तुम्हारे आने का कारण क्या है, क्या बात है, ब्रज में कोई अनिष्ट हो गया क्या, कोई उपद्रव हो गया, कोई दैत्य फिर से आ गया, आप मुझे खोजते हुए इस वन में आ गई अकेले? देखो स्त्री का अकेले वन में रहना ठीक नहीं है, जाओ। हाँ, तुम कुछ बोलती नहीं हो, कुछ
मुझे लग रहा है कि आपके जो आभूषण है, आपका श्रृंगार है, वो सब अस्त व्यस्त है। कोई घटना घटी है जरूर, क्या बात है बताओ, आप बोलते क्यों नहीं हो कुछ? भगवान गोपियों के श्रृंगार को देख करके पूछ रहे। अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान को मिलने के लिए बाहरी श्रृंगार की आवश्यकता है? बोलो। ओ मैचिंग साड़ी की नहीं मिल रही, कहीं भगवान ये कह, ये ना कह दें कि पहन के आई है।